लड़की के चक्कर में असामाजिक तत्वों ने मचाया तांडव। लड़की के परिवार के कई लोग घायल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बिहार के सिवान से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां असामाजिक तत्वों ने जमकर तहलका मचाया है। बता दें कि आजकल अपराधी का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कब कैसे किसी भी घटना को अंजाम दे दे कहना मुश्किल है। वहीं प्रशासन की निष्क्रियता से अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। एक मामला तो फिर से प्रकाश में आया है कि काम करके लौट रहे व्यक्ति पर अपराधी अपने साथी के साथ हमला कर दिया। इस मामले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा मामला सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के कसदेवरा उपाध्याय टोला पे घटी हुई है, जहां अवध किशोर प्रसाद अपने भाई नंद किशोर प्रसाद के साथ शाम को काम करके लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला बोल दिया। इस जानलेवा हमले से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल का उपचार अस्पताल में चल रहा है। पूरी घटना लड़की को लेकर घटी हुई है, जहां कुछ असामाजिक तत्व लड़की को छेड़छाड़ करने के लिए पहुंचे थे। वहीं परिवार वालों ने बीच बचाव किया तो उसी बीच अपराधियों ने हमला कर दिया। वहीं अवध किशोर प्रसाद द्वारा थाने में आवेदन देने में 3 नामजद के साथ 10 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज करने के लिए दिए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन आवेदन मिलने के बाद क्या न्याय दिला पाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो सुनिए क्या कुछ कहते हैं पीड़ित परिवार के लोग। समस्या हुआ, हम लोग घर पर काम करके जस्ट अभी घर पर आए और घर पर अभी जस्ट अंदर थे, तब तक अचानक और मतलब हमारे गांव का एक पीयूष नाम का लड़का है, लाल बाबू प्रसाद का लड़का, और एक अभिमन्यु नाम का लड़का है, सुनील प्रसाद परेमन टोला का लड़का, ये 2 लोगों को पहचानते हैं। बाकी 8-9 अननोन लोगों ने आया और वो हथियार लेस था सारा लोग, और सारा लोग लगा एकदम हमारे घर पर आना धुंध ईंटा चलाने और फायरिंग करने, जिससे हम लोग पूरा घर का लोग डर गया। उसने इसी बीच मैडम ताबड़तोड़ उन्होंने जो जिससे मिला हमारे पिताजी को 3-4 लाठी मार दिया, और मेरे चाचा जी एक जिनका स्पाइन सर्जरी हुआ है और व्हील चेयर से उठ नहीं सकते हैं, उनको 1 लाठी मार दिया कस के गिर गए कुर्सी पर से।